यूपी बीजेपी में फूट, कौन मारेगा बाजी, योगी या केशव मौर्य? क्या सीएम बनेंगे केशव मौर्य या फिर गृह मंत्रालय से करना पड़ेगा समझौता? क्या सीएम योगी बन गए हैं अमित शाह के लिए चुनौती? अखिलेश की ऑफर पर केशव मौर्य करेंगे खेल? यूपी बीजेपी में इन दिनों सियासी हलचल तेज हो गई है। एक बैठक के बाद दूसरी बैठक के बाद तीसरी बैठक जारी है। बीते दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इस दौरान सोशल मीडिया पर चर्चा है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर यूपी में बड़ा बदलाव करना चाहता है। ऐसे में केशव मौर्य को उम्मीद है कि वो सीएम बन सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में बैठक के बाद लखनऊ लौटे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर अब चर्चा है कि वो राज्य के गृह मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि मानसून ऑफर 100 लाओ, सरकार बनाओ। बता दें कि अखिलेश यादव ने खुले तौर पर कई बार मीडिया के सामने बोल चुके हैं कि मौर्य को सीएम बनना है तो 100 विधायक तोड़ कर लेकर आए, हम उनके सीएम बनने के लिए समर्थन करेंगे। अब इस पर केशव मौर्य की प्रतिक्रिया क्या आती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल अखिलेश ने क्या कुछ कहा है सुनिए। ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, यह फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो यह फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हो तब की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो, और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है। तो ये थी यूपी की सियासत से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।